नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज की छोटी सी वीडियो पर। आप सबों का मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग इस गर्मी का मौसम में सभी अच्छे ही होंगे, और मैं भी दोस्तों आप लोगों की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, तंदुरुस्त हैं। अब मैं दुकान के अंदर में ही हूँ, तो आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ जानकारियाँ देंगे आप लोगों के सामने। जानकारी साझा करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ जो हर किसी के ओर से, ये आप लोग सुनते ही होंगे, तो मेरे ओर से एक इस मेरे चैनल की ओर से आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं, जो कि आप लोग शायद पूरा पसंद ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बढ़ाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो में महापर्व जो कि आने वाला लोकसभा चुनाव जो हो रहा है इस 2024 में हमारे देश में, देश में हर राज्य में दोस्तों चुनाव हो रहा है, इस चुनाव पर्व में आप सबों को कुछ खास बताना चाहते हैं, मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जहीं भी रहे, कहीं भी रहे, किसी भी कारण से आप लोग एक वोट जरूर करिएगा। दोस्तों वोट देना जरूरी है हमारे लोकतंत्र के हिसाब से। वोट का महत्व हम लोग समझते हैं, और जो नहीं समझता है इस वोट का मतलब क्या होता है, मैं इन छोटी सी जानकारियां आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि हम एक भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, और इस स्वतंत्र नागरिक में हमें अपने जनहित को सुरक्षा रखने के लिए, हमें एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमको एक वोट का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। हम भारत देश में सबसे अधिक अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं, और इस समय हम लोगों का देश में, हमारे देश में इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में हम लोग अपने अपने घरों से निकल के वोट का उपयोग, वोट जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि यही मेरा संविधान का रीति है, यही मेरा संविधान का मूल कर्तव्य है। हम इसके दौर आए हैं, देखिए हमारे संविधान में लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माणकर्ता थे, उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को, नौजवानों को वोट देने का कर्तव्य तो अपने स्तर से समझाया ही है, लेकिन हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनके किताबों को पढ़ नहीं पाते हैं, और जो जानकारियाँ देते हैं हम वोट, आपका जो वोटर कार्ड जो होता है वो 18 साल के बाद ही बनता है, यानी कि 18 साल जैसे ही पूरा होगा आपका वोटर कार्ड बनेगा, और उसी वोटर कार्ड से आप अपना मतों का उपयोग कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, आप अपना नेता चुन सकते हैं, और वही नेता जब हम लोगों को, वही नेता अगर इस क्षेत्र से जीतता है तो वही आपका आगे का प्रोसेस, आगे का कामकाज वही करता है। तो लोकसभा चुनाव अभी का समय में बहुत ही गरम सरम से, जोर जोर से ये प्रचार किया जा रहा है कि तो पैसों के लालच में मत आइए, अपना मत का प्रयोग सच समझ के करिएगा, क्योंकि आपको यही आदमी 5 साल तक आपके एरिया में काम करेंगे, आपके गांव मोहल्ला आपका सब कुछ काम करेगा, इसलिए आपको सच समझ के ही वोट देना है, सच समझ के ही अपने नेता को चुनना है, क्योंकि हमको अपने मताधिकार का प्रयोग किसी के दबाव में, किसी की बहकावा में नहीं आना है। आप आपका क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसी को वोट दीजिए, जो 18 साल हो चुका है वही उसका वोटर कार्ड बनेगा, और वही वोटर कार्ड से वो अपना
मतों का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को तरह तरह के आदमी आएंगे आपको समझाने के लिए कि हमको वोट दे, हमको इस बार चुनाव में जिताएं, आपका बहुत भला होगा, आपका बहुत भला करेंगे। तो ऐसे संज्ञान में आप जागरूक हैं, तो उसी जागरूक का फ़ायदा आप खुद उठाइए, ना कि किसी के दबाव में उठाएंगे। आप अगर वोट नहीं देंगे तो आप 5 साल तक झेलते रहेंगे, क्योंकि एक वोट कि आप लोग जितना भी जागरूक हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानना चाहता हूं, आप लोगों का राय जानना चाहता हूं। कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग वोट क्या चीज़ है ये जान नहीं पाए हैं। वोट कहाँ देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, ये भी जानकारी उन लोगों का अभाव है। तो उन सबको जागरूक करने के लिए अगर हम सुबह सुबह हर गांव का दौरा करेंगे कि वोट दीजिए वोट दीजिए, ये मत बोलिएगा कि हमको ही वोट दीजिए। सिर्फ जागरूक करने के लिए अगर हम लोग जिस भी तारीख में जिस भी तिथि में वोट का ऐलान किया गया है, वोट की घोषणा हो चुका है, आप उसी दिन को ज़रूर अपने वोट का प्रयोग करिए, अपने नेता को चुनिए, ताकि तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में किसी भी दिन तय किया गया वोट के समय को वहाँ ज़रूर पधारेंगे, वहाँ ज़रूर आएंगे वोट डालने। और अपने अपने क्षेत्र के जो कर्मठ नेता है, जो आपका सब हर काम करता है, आपका हर सुख दुख में काम आता है और सुख दुख में साथ देता है, उसी को ही वोट दीजिए। वोटर कार्ड बनवा लिए हैं या वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप ज़रूर वोट दे सकते हैं। आप भी अपने घर छोड़ के अपने गांव घर में अपने बूथ में आएंगे और वोट डालेंगे। मुझे खुशी होगी हम लोग सब मिलके एक मजबूत सरकार बनाएंगे और मजबूत अपने क्षेत्र के संसद को चुनेंगे और एक कर्मठ व्यक्तिगत और जुझारूपन नेता को चुनेंगे। और मेरा ये YouTube के चैनल के माध्यम से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जिससे भी चुनेंगे वो अच्छा ही आदमी को चुनेंगे, जो मेरे हर सुख दुख को समझता है, हर सुख दुख में साथ देता है, मैं उसी को वोट देंगे और उसी को जिताऊंगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार मैंने गुजारिश करता हूँ कि अपने क्षेत्र के हिसाब से जिस भी दिन वोटिंग होगा, आप वोटिंग बूथ में आइए और आपका वोटर कार्ड साथ में लेके आइए और अपना वोट ज़रूर डालें। तो आपके यहाँ पर्ची आता है तो चुनाव वोटिंग के 2-3 दिन पहले, सप्ताह भर पहले एक कागज़ आता है, पर्ची आता है, वही पर्ची के साथ आपका अगर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है या राशन कार्ड है, इन सब में से किसी एक भी अगर होगा तो आप ज़रूर वोट देने जाइएगा। हम देश के नागरिक होने के नाते हर विज्ञापन में हर टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है कि आप वोट ज़रूर दें, वोट का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि आप अपने भविष्य को आप ज़रूर चुन सकें। आपके हाथ में सब कुछ है, आप ही देश के नागरिक हैं, आप ही देश को बचा पाएंगे और आप ही देश को मजबूत कर्मठ नेता चुन पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने गांव के आदमियों को समझाइए वोट का महत्व क्या होता है, वोट देने से हमें क्या लाभ मिलता है और वोट देने के बाद हमें क्या करना है और किसको वोट देना है, कैसे आदमियों को वोट देना है, इसके बारे में आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करके आप गांव-गांव में घूमिए, ताकि देश के हर नागरिक को पता चले कि वोट का महत्व क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। क्योंकि एक वोट को डाल के आने वाला 5 साल बाद उसी वोट को दोबारा डाला जाता है उस लोकसभा में वोट डालने के लिए।
क्योंकि अभी हमारे देश में एक साल में 3 बार वोट होता है। अब बताएंगे तो कैसे, आपको पता है सबसे पहले पंचायत चुनाव आता है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होता है, इसके बाद लोकसभा चुनाव आता है। यही 3 चुनाव एक साल में होता है, जो कि अलग अलग दिन पर होता है, उसका भी उल्लेख किया हुआ है, उसका भी समय सीमा निकलेगा। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव का दौरा चालू हुआ है और उसी लोकसभा दौरा के चुनाव में आप लोग अपना मतों का प्रयोग जरूर अवश्य करेंगे। इसी का प्रयोग करें और अपना 5 साल का सरकार बनाइए, क्योंकि ये बार बार आने वाला नहीं है। अगले 5 साल तक दोबारा इसी आंगोली से वोट दबा सकोगे, उसी क्षेत्र के उसी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मेरे इस छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसे लगा, आशा है आप लोग अपने। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, फिर आने वाला 5 साल के बाद फिर हमको इसी संसदीय क्षेत्र से दोबारा वोट डालने का मौका मिल सके। तो जानकारी मैंने अपने तरफ से दे दिए हैं और आप लोग अपने अपना काम करिए। आप भी हमारे यूट्यूबर हैं, तो आप भी इस संदेश को पहुंचाइए अपने तरीके से। मेरे आज का एक छोटी सी जानकारी जो मतदाता को लुभाने का काम जो मैंने किए, आप लोगों को कैसे लगा, वोट कैसे देना है, कहाँ देना है, किसको देना है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको काम करना है, वोट देना है आपके आपका पंचायत के जो जहाँ सामने पड़ता है, जिस बूथ में आपका नाम है उसी बूथ में आप जाके अपना वोटिंग करिए, अपना मताधिकार का प्रयोग करिए। तो इन चंद शब्दों के साथ मैंने आप लोगों को वोट के बारे में जानकारी अपने तरफ से दिए, मुझे जितना जानकारी है। और आज का वीडियो में हम इतना ही, आप लोगों के सामने आएंगे फिर दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने फिर दोबारा लेके आएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही तक, बाय बाय।